माँ के ब्रांड गुच्ची वगैरह कितने महंगे हैं, तो वहाँ से मुझे आकर कपड़े पसंद पड़े। मैंने ये सोचा हेम से बहाना करके हेम का कैमरा मंगा लेती और वो ना मैंने वही बेच के कपड़े खरीद लिए। और पता क्या, तुम टाइम अभी अभी पागल क्यों नहीं बेच दिया, कुछ काम ही नहीं होता तो मैंने कहा इससे अच्छा बेच दो। बालों का भी नहीं है, घर पे लगे हुए। यार क्यों मार दोगे, पागल हो गए तू? गुस्सा आ रही है मेरे को। वेलकम बैक टू क्यूटी मारिया गाइज, आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, ऐसा लग रहा है मतलब एक हफ्ता हो गया, ऐसा लग रहा है एक साल बाद मैं फिर से वीडियो मेरी जाएगी यूट्यूब मेरे चैनल पर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेलकम बैक हो गई हूँ। तो आज मैं हेम के ऊपर फिर से प्रैंक करने वाली हूँ, प्रैंक बहुत खतरनाक होने वाला है। हाँ, तो मैं पहले एक बार हेम को कॉल कर लेती हूँ, कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कहाँ पर आना, बट एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कहाँ पहुँच गए हैं सर जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद प्रैंक कर रही हूँ फिर से, अच्छा लग रहा है। हेम कहाँ पे हो? मैं यार ये मॉल के बाहर। मॉल के बाहर आ जाओ फिर, अंदर एंट्री करते के साथ ही हूँ। ठीक, तो गाइस हेम आने वाले हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं है, मजा आने वाला है, मिलता है वीडियो में। राउत साहब आ गए, क्या बात है राउत साहब, हाय कैसे मारा छोरा हीर का, बात सुन ले तू सारी। ठीक हो? यस बच्चा, अब तो ठीक हो ही जाओगे ना जब। और क्या, एनर्जी मिल गई है काफी ज्यादा। जब मैं प्रैंक कर दूंगा ना तो ठीक हो ही जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मेन बात है ना एनर्जी मिल गई कुछ ज्यादा इसलिए। ये पता रेत एकदम मेरे गांव जैसा है। हां ठीक है, मत उड़ाओ ये, मत उड़ाऊ ना खामा खा। तो खेलने में भी मजे आते हैं। खेलो 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 खेलो। ओ हेलो, पागल हो क्या? बताओ ना क्या हो गया। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने में आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तुम कहो तो गाड़ी भिजवा देती मैं। प्रॉब्लम हुई है ना? क्या? तुमने अभी तक मेरे को मेरा सामान नहीं दिया जो तुमने दिया था। कौन सा सामान? अभी कैमरा नहीं मंगाया था। कैमरा? हाँ, आज शूट पे भी नहीं जा पाया मैं। कौन सा कैमरा? कौन सा? ये वाला? ये तो क्या हुआ, फोटो वोटो क्लिक करनी है क्या? कैमरा नहीं मंगाया था तुमने? अच्छा वो? हाँ। तो यार ऐसे बोलो ना कि मेरा शूट वाला कैमरा जो है बड़ा वाला। हाँ, वही मैं। आजकल कैमरा बोलते हो ना तो मुझे ये लगता है आईफोन का कैमरा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे शूट भी नहीं हो पा रहे। तो तुम्हें जरूरत थी क्या? हुँ. क्या जरूरत है तुम्हें इसकी? क्योंकि वो तो रखा रहता कैमरा, मैंने देखा है कितने दफे। पागल, अगर वो घर पे कब रखा रहता, किसने बोला रखा रहता है? नहीं शूट कर लेते हो, एक बार शूट कर लिए वो घर पे रहता, जब भी आऊँ घर पे तुम्हारे वो ऐसे ही बैठा रहता है कैमरा शांति से। अरे किसी का भी लेके कर लेना वीडियो, उसमें क्या है कोई भी दिखा देगा तुम्हें तो। वीडियो तो करनी है और क्या करना है बताओ। अभी किसी का लेके क्यों करूंगा मैं शूट, तुम पागल आगल हो, अपनी चीज है तो टेंशन फ्री हो, समझ रहे हो ना आप किसी। अरे दूसरों की चीज को भी अपना मान लो आंख बंद करके, तो वो अपनी होती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं तुम्हारी बात करा दूं, बताओ वो तुम्हें दिखा देगा शूट करने के लिए, है नहीं? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फिर वीडियो वीडियो नहीं हो पाएगी ऐसे। फिर आज तुम नहीं लेके आए हो, कब ले आओगे? मैं चलो ना और बात करते हैं, आप खाना ना खा के आए हो? ओए इधर मॉल है, वेगस मॉल है, चले क्या घूमने? हाँ चलते हैं, चलो चलते हैं, है ना चलते हैं। बाकी अभी यार वो कैमरा वैमरा तो आएगा नहीं अब कभी। कभी क्यों नहीं आएगा? हैं? क्यों नहीं आएगा? अरे यार पता है ये मॉल देख रहे हो? अभी मॉल गया भाड़ में, तुम ये बताओ। चलो ना आओ, पहले इधर रुको। क्या बोल रही हो, कैमरा कभी नहीं आएगा, क्या बोल रही हो? अरे वो मेरे मुंह से निकल गई ऐसी बोल रही थी मैं, तुम चलो ना मॉल चलो। क्या हो, क्या किया? मैं कुछ बोल रहा अभी, कैमरा मंगाओ। अरे यार मैं ना मॉल गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने शॉपिंग वगैरह करी काफ़ी ज़्यादा। ये दिखाना एक मिनट। क्या ये दिखाओ तो एक मिनट। तो बहुत तो देख लो पहले, वो तो बताओ ना मेरे को। पुराना सा कर दिया यार ये तुमने काफ़ी ज़्यादा। बताओ कैसे क्या होगा, अगर किसी को पसंद भी करना होगा तो मैं क्या दिखा के पसंद करवाऊँगी, इतना पुराना कर दिया तुमने इसको कुछ ही महीनों में, अभी अभी लिया था ये। मार दूंगा ठीक है ना। रुक तो जाओ, फोन छोड़ो। नहीं क्या हो, क्या गया है, रुक जाओ। किसे फोड़ूं? मैं फोड़ रही हूँ, नहीं मैं फोड़ रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, पहले मेरा फोन दो। इसमें लग और गया, ये क्या पहने हुए कड़ा?
हाँ कड़ा तो तुमने भी मैं पहनी हूँ तुमसे बदला लेने के लिए, तुम मेरे को मारते रहते हो हर समय। अरे यहाँ पे बहस करने नहीं। हाँ ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, सुनो मेरी बात, सुनो तो एक मिनट इसे तो ये नहीं दो। अरे इन दोनों को सुला देती हूँ मैं ऐसे करके। हाँ अच्छे लग रहे, देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ, है ना। मैं यूं बोली थी, मैं ना शॉपिंग करने गई थी मॉल में, और तुम्हें पता वहाँ के ब्रांड गुच्ची वगैरह कितने महंगे हैं, तो वहाँ से मुझे आकर कपड़े पसंद पड़े। मुझे पता क्या है, मेरे अंदर एक ही बीमारी है, खासियत सुन तो लो। आ गए होंगे तो तुमने खरीदे थोड़ी नहीं होंगे, पसंद आ जाते हैं भाई किसी को भी। क्यों नहीं खरीद सकती, क्यों क्यों नहीं, इतने पैसे कहाँ से है? सुनोगे तब ना। मेरे अंदर एक खासियत मान लो या एक बुराई मान लो, अगर मेरा जिस पे दिल आ जाता है ना वो चीज़ मुझे चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो फिर पता है क्या, मैं अपना मैंने सोचा फ़ोन भेज दूँ मेरे दिमाग में, फिर मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी मुझे मारेगी, तो मैंने अपना आईफोन नहीं भेजा। लेकिन हाँ मैंने कहा मेरा दोस्त कब काम आएगा हेम यादव है, तो मेरे पास कहाँ से आए पैसे पागल तुम। हाँ मुझे पता था आप मेरे को पैसे तो कभी दोगे नहीं, वो भी कपड़ों के लिए, वो भी गुच्ची। ओहो नाम सुनते तुम यूँ सोचोगे मैं ना पहन लूँ कपड़े गुच्ची के, तो मैंने यूँ सोचा हेम से बहाना करके हेम का कैमरा मंगा ली थी, और वो ना मैंने वही बेच के कपड़े खरीद लिए। और पता क्या तुम पागल कैम नहीं बेच दिया तो क्या हो गया? मैंने बोला ना तुम्हारी बात करा दूंगा, मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी कैमरा, तुम उसके कैमरे से शूट कर लिया करना। पागल आ गए लो यार, क्या बिल्कुल ही मतलब कैमरे हटा दिया। हाँ तो क्या हो गया उसमें? चलो पहले इधर बैठ जाओ ठीक है ना, कैमरा बेच दिया तुमने। कैमरा कैमरा छोड़ो, और मैंने ज्यादा नहीं 30,000 रुपए दिए उसने मेरे को। लेकिन एक सेकंड, मैंने 30,000 रुपए दिए उसने मेरे को और मेरे कपड़े कम से कम 50,000 के बैठ रहे थे। कैमरा तुमने बेच दिया 30,000 रुपए में? 30,000 में तो मैंने 50,000 की शॉपिंग करी ना, मेरे पे 20,000 रुपए फिर भी कम पड़े, पता ही नहीं क्या है। तूने 30,000 में हटा दिया? तो किसी लाइक का कैमरा नहीं था तुम्हारा, 30,000 रुपए दिए उस कैमरे ने मुझे, फिर वो फिर भी वो कपड़े मुझे नहीं दे रहा था। 30,000 का है? उनने बोला मैडम मैं तुम्हें इतने में इतने का दे रहा हूँ, फिर उनने बोला 20,000 रुपये कहीं से लाओ तो ही तुम्हें कपड़े मिलेंगे, फिर मैंने तुम्हारे आईफोन का भी रेट लगवा दिया। मुंह तोड़ दो ना, सच बता रहा हूँ। तुम्हें तो बताना ही नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, वो मुझे बुला रहा है, मेरे को लेट हो रहा है, मेरा फोन छोड़ो, मेरी मम्मी मारेगी मुझे। वो मैंने बेच दिया, वो तुम्हारा नहीं रहा ठीक है ना, मैं मार दूंगा ठीक है ना। और तुम्हारा फोन नहीं है ये जिसको बेचा ये उसका फोन है, मैं अपने कपड़े लेने जा रही हूँ। देख फालतू बकवास, मारे मैं मार दूंगा सच बता रहा हूँ। यार क्यों मार दूंगी, पागल होगी तू? गुस्सा आ रही है मेरे को। तुम मुझे कभी अच्छा देख ही नहीं सकते हो, नहीं तुम नहीं चाहते मैं अच्छी लगूं, अच्छी दिखूं। देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मेरे को कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस फोन। देखो वो कैमरा पुराना हो रहा था तुम्हारा ठीक है ना, तो मैं तुम्हारी करवा दूंगी सेटिंग। यार क्या सेटिंग करा दूं? मेरा एक फ्रेंड है वो तुम्हें कैमरा दिखा दिया करेगा टाइम टू टाइम। खुद का सामान है क्या क्या क्या? तुम्हारे कड़े से लग गई मेरे को जोर की, मैं नहीं दे रही, वो मुझे बुला रहा बंदे की कॉल पे कॉल आ रही है, मैं जा रही हूँ। उस बंदे का फोन है, तुम्हारा नहीं है ये, मेरा फोन है, मेरी मम्मी मारेगी। चल निकल यहाँ से ठीक है ना, मैं इसको बेच, कैमरा तो बेच दिया मैंने। हाँ तो मैं इसको भी हटा दूंगा ठीक है ना, उसे भी बेच दिया मैंने। तुम्हारी मम्मी से कट कर दूंगा वो भी। क्या है पागल आगल हो तुम, थोड़ा बहुत दिमाग दिमाग नहीं, दिमाग बिल्कुल पागल हो गई हो क्या? तुमने तो तुमने मुझे कभी कपड़े नहीं दिलवाते हो, इसलिए मैंने ले लिया खुद ही, तुम मुझे पैसे तो देते नहीं हो। साले इतनी महंगी जगह पे जाने की क्या जरूरत थी? मतलब अच्छा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं जा नहीं सकती मॉल? मेरे को अच्छे लगे मैंने ले लिया। कैसी लगी यार, बिल्कुल मैं तुम्हें कपड़े दिखाऊं? बहुत अच्छे अच्छे हैं, मेरे फोन में फोटो है, मेरे फोन में फोटो बहुत अच्छी अच्छी। पता कैसे यहाँ से कट जा रहा हूँ एकदम, मैं यहाँ खड़ी होंगी वहां तक है वो यहाँ से। ये देखो जैसे ये नहीं है, ये देखो
ये देखो तो ये है ना, जैसे ऐसी है वो यहाँ से ऐसा फटा हुआ है, मैं यहाँ खड़ी होंगी वहाँ तक है वो गाउन, इतना लंबा मस्त प्यारा गाउन है, वो सिर्फ 130,000 का था, लेकिन 20,000 का मैंने कुछ और भी लिया है, वो तुम्हारा फेवरेट है। खोलो खोलो लॉक खोलो मेरे फोन का, पता ही नहीं तुमको तो। खोलो खोलो, गलत है, खोलो। तुम्हें कैसे पता मेरा लॉक? दिख जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ साला कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं 20-25,000 रुपए का लॉस झेल लूंगा, ठीक है ना? ओके। तो अब वीडियो कैसे करोगे? मैं तुम्हारी सेटिंग करा तो रही हूँ उस लड़के से, तुम वीडियो कर लिया करना। वो तुम्हारी मम्मी देने आएंगे ना कैमरा? कौन सा वो जो मम्मी तो मारेगी। हाँ तो पिट लेना है, और उसके तुमको मुझे क्यों मारेगी? तुम बोलोगे कि मारिया ने ऐसे ऐसे किया, तुम्हें भी मारेगी मुझे भी मारेगी। हाँ तो मैं बोल दूंगा, अगर तुम्हें बचना है तो तुम मुझे मेरा फोन दे दो। मैं भी बोल दूंगा ये दारू वगैरह पीती है। दारू? गांजा नहीं पीती हूँ। पीती होगी पता नहीं मेरे को, क्या पता, मैं 24 घंटे तो इतना छूट छूट बोल रहा हूँ। मैं बोल दूंगा, मैं भी बोल दूंगी फिर अपनी मम्मी को कि हम ना मुझे मारते हैं। फालतू बकवास मत करो, मुझे ये बताओ कैमरा कहाँ है, ठीक है ना? यार वो बंदा मेरा वेट कर रहा है, कॉल पे कॉल आ रही है, वो कह रहा है मैं पुलिस थाने भिजवा दूंगा तुमको, जेल में बंद कर दूंगा, तोड़ दूंगा। नहीं तुम चाहते मैं जेल में बंद हूँ? चलो वापस करने चलो कपड़े, चलो वो फालतू कपड़े मैं नहीं दे सकती, और वो तो मैं घर पे रख के आई हूँ कपड़े अपने। कपड़े क्यों नहीं दे सकती वापस? मैं रक्षाबंधन पे पहनूंगी। रक्षा मारिया पागल आगल हुई हुई है, थोड़ा लिमिट होती है यार किसी चीज की। क्या लिमिट यार इसमें, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सोचा था वो कैमरा रखा रहता, जब देखू रखा रहता रहता उसका। अच्छा, कुछ चल, काम चल, नहीं ठीक आता है, ठीक है ऐसे एक बार ऐसे करना इसे मुंह में मार लो ना, कुछ गलत ही नहीं है, मारो ना एक बार, मारो ना इसको, जब देखो तब बैठा रहेगा घर में कैमरा, जब देखो कुछ काम ही नहीं होता तो मैंने कहा अच्छा भेज दो, अगर हमें काम होगा तो हम किसी से कैमरा लेके वीडियो बना सकते हैं ना। इन बालों का भी नहीं है सिर पे लगे हुए इन्हें उखाड़ लो ना, इन्हें उखाड़ लो, उखाड़ लो इन्हें, क्या है ना, इसे फेंक दो, इसे फेंक दो, इसका भी कोई काम नहीं, फेंक दो इसे, ज्यादा हो रहा है मुझे साफ करके दो, मेरा बैग धूल मिट्टी में, हाँ धूल मिट्टी में हो गया, मुझे नहीं पता, साफ करके दो। चलो फोन और मेरा गंदा कर दिया, चलो मेंटली है बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। मैं तो जा रही हूँ, लो मम्मी मम्मी मैं मार दूंगा। तो तुमने मेरा बैग कैसे गिराया धूल मिट्टी में? मुझे मेरा फोन दे दो, जा रही हूँ मैं। जेल में भिजवाऊंगा तुमको, इधर बैठो, इधर मुझे बचा लो उससे, वो मुझे जेल भिजवा रहा है। अरे सुनो तो यार पागल लोग, क्या सुनो, मैं मारू, मुझे जेल भिजवाएगा, मैं मारूंगा, ठीक है ना, मेरे से फालतू बकवास मत करियो, ठीक है ना, आपने पैसे अपनी मम्मी से लेके दे जाओ, मेरा फोन दो और कैमरा वापस कर दियो, नहीं तो बहुत तो अब वो मुझे नहीं देगा फोन, क्या नहीं देगा वो, पता नहीं कहां से कहां विदेश चला गया, ठीक है ना, कैमरा अब विदेश चला गया। हाँ हाँ तो ठीक है, अपनी मम्मी से बोल दियो मेरा फोन विदेश चला गया। यार प्लीज मेरा फोन दे दो ना, मेरी मम्मी बहुत मारेगी यार हेम, तुम तो समझ जाओगे, तुम मेरे फ्रेंड हो यार। मैं तो चाहता हूँ पिटे, ठीक है ना, तू मेरा भला चाहती है, मेरा पूरी भाई कैमरे को बेच दिया, बिल्कुल पागल आगल है क्या यार? तुम तो समझो, मेरी मम्मी नहीं समझेगी, तुम तो समझो, फ्रेंड हो यार, मेरे कपड़े पसंद आ गए ले आई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फोन दो मेरा। मैं फोन नहीं दूंगा, मैं फोन नहीं दूंगा, मेरे को कैमरा चाहिए मेरा वापस। हाँ जाओ चले जाओ, मैं तो प्रैंक कर रही थी, जाओ ले जाओ, रख लो फोन मेरा। रुको मार दूंगी, प्रैंक कर रही हूँ। वो देखो उधर लगा कैमरा, वो देखो उधर, अरे यार वो देखो छोटे छोटे पेड़ लगे, जाओ, अरे यार फोन दे दो यार, देखो मैं ऊपर चढ़ के सुसाइड कर लूंगी। गाइस वीडियो कैसी लगी बताना, बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, मैं जा रही हूँ हेम के पास फोन लेने अपना, बाय बाय, राम राम जी।